प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लड़की वाले आ गए। अरे वाह वाह वाह, भिड़े चलो 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 जल्दी। एक मिनट रुको, अभी नहीं। पोपटलाल, लड़की वाले अभी अभी आए हैं, वो जरा बैठेंगे, उनको बैठने दो, इंतजार करने दो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। ओह रियली? हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगी पोपट भाई को आने में। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। भाई वीडियो चलो, अब और कितना इंतजार। चलते। अरे ये तो मेरा फोन है, उठाओ ना। अरे लेकिन इसमें नहीं है, वो जैकेट में है। जैकेट कहाँ है? जैकेट मैंने तुम्हें दिया था। अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो यहीं पे रखा था। अरे जैकेट इसके अंदर शायद। What happened, Dad? लगता है किसी का मोबाइल बज रहा है। ये सोसाइटी में बाहर काम चल रहा है ना, तो किसी मजदूर का फोन बजा होगा। हाँ रखा पे, तुम्हें मालूम नहीं तो। अरे ये रहा, ऊपर वाली जेब में। अरे दुनिया भर की जेबें इस जैकेट को। राइट, ये रहा। हाँ देव भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मैं टप्पू के रूम में, आपको तो मालूम है। ये देव भाभी नाटक कर रही है, लड़की वालों के सामने पूछ रही है तुमको कि तुम कहाँ हो और तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे होकर के। सॉरी भाभी, I'm ready, I'm coming. हिंदी में बोल। मैं तैयार हूँ, मैं अभी आता हूँ। कलावती, तुम जॉब कहाँ करती हो? नहीं नहीं भाभी, हमारी बिरादरी में लड़की नौकरी नहीं करती। ओह पंडित जी, जमाना बदल चुका है और जमाने के साथ चलना चाहिए। बदलना तो पड़ेगा ही ना। यो, आ गए पोपट भाई। पोपट भाई, ये है जसवंत काका और ये कामिनी काकी। ओह रियली? ओके। ओह हेलो, हाउ डू यू डू? कंट्रोल। ओह रियली? ओके। नमस्ते मामा। नमस्ते पापा। पापा नहीं, मिस्टर शाह, मिस्टर जसवंत शाह। ओह ओके, मिस्टर शाह। आप बैठे ना पोपट भाई। ओह श्योर, थैंक यू। और ये है रीटा। वाओ, क्या नाम है, रीटा। नो, आई डोंट लाइक रीटा, कॉल मी सेनोरिटा। एग्जैक्टली, रीटा क्या नाम है, सेनोरिटा। ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल, साउंड्स वेरी नाइस। सुंदर, अति सुंदर, पर कितने सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, कहां छुपी हुई थी अब तक? ओके, ये मिस्टर भिड़े हैं, सेक्रेटरी। यू मीन टू से दैट पर्सनल सेक्रेटरी? नहीं, पर्सनल नहीं, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आत्माराम तुकाराम भिड़े।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली मिस्टर भिड़े मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बिग ब्रदर, तो इसलिए मेरे साथ आए हैं। हाँ। क्या है, हमारी गोकुल जैन सोसाइटी में हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अरे परिवार तो ठीक है, पर लड़का कहाँ है? वो तो खेलने गया है। खेलने? लड़का करता क्या है? अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है। लड़का अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर हमें क्यों बुलाया? ओह माय गॉड, नहीं नहीं, थोड़ी गलत फहमी। एक्चुअली हंस, ये लोग गोली की बात नहीं कर रहे, पोपटलाल भाई की बात कर रहे। ओह आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा आप मेरे बेटे गोली की बात कर रहे हैं। पोपटलाल तो अभी 5 मिनट में आता ही होगा। आप यूके में रहे हो? नहीं, क्यों? नहीं, वो मुझे आपका एक्सेंट सुनकर ऐसा लगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सेनोरिटा। एक्चुअली क्या है, मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स यूके में रहते हैं, वो अक्सर मुझे फोन करते हैं मेरी एडवाइस लेने के लिए, तो उनके साथ बात करते करते मैंने भी उनकी भाषा सीख ली है। और लाइक एक्सेंट, यूके एक्सेंट। वैसे फ्यूचर में मेरा प्लान अब्रॉड सेटल होने का ही है, लंदन। अरे पोपट, ज्यादा उड़ मत। वैसे मिस्टर पोपटलाल, आप करते क्या हैं? Well, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार। इस देश के सबसे बड़े अखबार तूफान एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, और मेरे आर्टिकल से आई शेक द वर्ल्ड। दुनिया हिला देता हूँ। आपने मेरे आर्टिकल्स तो पढ़े ही होंगे मिस्टर जसवंत। जी नहीं। मिठाई लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू हंस। अरे मैं नहीं, इन लोगों को ही बोल रहा हूँ। चाचा जी लीजिए ना, आप लोग भी लीजिए। और हाँ, एक खास बात और, हमारे पोपटलाल जी का खुद का घर है, मतलब आप समझ सकते हैं मुंबई में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है। हाँ, और मैं गारंटी देती हूँ, पोपट भाई सेनोरिटा को पलकों पे मीठा कर रखेंगे। इनका स्वभाव है ना एकदम शांत सौम्य मिलनसार, है ना, कि कभी किसी को नहीं नड़ते, है ना? फ्रेंड्स, कुर्ता रेडी है ना? हाँ। पोपट अंकल भी आते ही होंगे। हाँ, आने दे आने दे, बहुत मजा आ रहा है। अरे डॉक्टर बाबू, 2 बार मिठाई खा चुके हैं, लड़का कहाँ है? ओहो, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी बुलाता हूँ, फोन करता हूँ। हाँ, लीजिए। हेलो। हेलो पोपटलाल, अरे भाई कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। यस बॉस। अरे बॉस नहीं, डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो बॉस, आपकी आवाज कट रही है। पोपटलाल जल्दी से घर आ जाओ। हेलो हेलो, शायद सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सिग्नल कट रहा है। हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, बॉस का सिग्नल मिल नहीं रहा है। आई जस्ट कम, ओके। हेलो हेलो, सॉरी बॉस, बॉस मैं बाहर आ रहा हूँ, वन सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ बॉस बोलो। हेलो हेलो, अभी आ रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, बस अभी 2 मिनट में आ रहा है। हाँ 2 मिनट, आप लीजिए ना। हाँ लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। एक मिनट, पंडित जी की लड़की है ना? हो गया? वाओ पोपट अंकल, आप बहुत मस्त लग रहे हो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो बाय बाय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।
अच्छा 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 हाँ मेरे भैया सुख आयो रे रंग जीवन में आयो रे साहब सब गिर जाएगा तेरी शादी हुई है हाँ तो चुपचाप बैठ के अपना काम का अरे जाओ ना भाई गोलमाल है भाई सब गोलमाल है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है हर सीधे रास्ते की ये सॉरी सॉरी सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है बस आता ही होगा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लो पोपटलाल भाई आ गए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बेटा क्षमा चाहता हूँ मान्यवर क्षमा चाहता हूँ आने में थोड़ा विलंब हो गया वो क्या है मैं किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पहले मंदिर जरूर जाता हूँ हा 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 सुंदर अति सुंदर और इसे तो चश्मा भी है बेड़े आपकी शादी हो चुकी है हाँ कब की समय पर मेरी एक बेटी भी है सोनू लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं नहीं अरेंज मैरिज क्या हमारे जमाने में अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी और फिर शादी के बाद उस मैरिज में लव को अरेंज करना पड़ता था सेक्रेटरी होने के अलावा और क्या करते हैं भिड़े भाई डिलीवरी करते हैं इसका मतलब आप डॉक्टर है गायनेक नहीं 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 अरे क्या नहीं हाँ करते हैं करता हूँ मतलब मेरी वाइफ जो है ना उसका पापड़ और अचार का बिजनेस है तो उसके पैकेट्स में डिलीवरी करता हूँ उसको मदद करने के लिए वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ मैं पढ़ाता हूँ ओह वेरी नाइस वेरी नाइस वैसे जोड़ियां तो नसीब की बात होती है लेकिन अगर ये रिश्ता तय हुआ तो आपकी बेटी को पोपटलाल भाई बहुत खुश रखेंगे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है हाँ थैंक्स दया दी आप हमेशा साड़ी पहनते हो हाँ मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है तुम भी साड़ी पहनती हो ना नेवर ओह कभी नहीं दी पर शादी में तो साड़ी पहनोगी ना दी मेरा बस चले ना तो मैं शादी भी जींस टॉप में करूं लेकिन साड़ी पहननी पड़ेगी अरे देवा कठिन है बहुत ही अरे पोपटलाल कुछ पूछना हो तो पूछो शर्माओ मत कुछ पूछो हाँ हाँ बेटा कहो ना जी आपका शुभ नाम कलावती अच्छा और इनका इसी का नाम तो कलावती है सुंदर अति सुंदर कितनी पवित्रता छलकती है इनके नाम से वैसे आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है जी PhD की है संस्कृत विषय में ओहो आपको संस्कृत आती है हाँ। तो संस्कृत में वार्तालाप कीजिए ना हाँ 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 जरूर जरूर
लेकिन क्या है, आपने संस्कृत में पीएचडी किया है, मेरा ज्ञान तो बहुत ही सामान्य है, तो आपके सामने संस्कृत बोलना उचित नहीं होगा। ये पोपटलाल, वो बॉस का फोन आया ना उसका, तो काफी जरूरी बातें कर रहा होगा, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। वो बहुत दूर चले गए क्या? नहीं नहीं, वो तो बाजू के विंग में, बाजू के कमरे में है ना, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। अरे पोपटलाल, मेरे उच्च अधिकारी का फोन है। जय श्री राम। अरे पोपटलाल कहाँ रह गए भाई, जल्दी आओ यहाँ पे। आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो, शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं शीघ्र ही इनसे वार्तालाप करके तुरंत उपस्थित होता हूँ, क्षमा कीजिए। कोई बात। हेलो हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हेलो हेलो बॉस। अरे पोपटलाल जल्दी, अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो? हाँ बोल। अरे यहाँ पे लड़की वाले के सामने बैठना मतलब बिना हैंडल के स्कूटर चलाने जैसा है, जल्दी आ। अरे उड़ के आओ क्या, एक मिनट से दूसरे दिन आने में टाइम तो लगेगा ना। अरे यार भेड़े तू तो समझ, आता भिड़े का फोन था। By the way, कलावती तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे भरतनाट्यम और भजन पसंद है। मुझे डांस और पार्टी पसंद है, और धार्मिक चैनल पे गुरुजी का प्रवचन देखना पसंद है। I love to watch English movie channels and fashion shows. मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैं रोज डिस्को जाती हूँ। I love disco. मुझे घर का खाना ही पसंद है। और मुझे होटल का खाना पसंद है। शादी के बाद मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली। हर फूल माल है भाई, सब फूल माल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। फूल माल है भाई, सब फूल माल है। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल अभी तक नहीं आए। वो क्या फोन पे बात करना, बहुत जरूरी बात है, तो अभी दो मिनट में आता ही होगा वो। बच्चों, अरे नहीं नहीं, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और भिड़े का फोन आ गया, जल्दी से कपड़े लाओ। कोट कहाँ है? छोड़ दो। पोपटलाल का फोन बहुत लंबा चला। हाँ काफी लंबा चला। आ गए होंगे। मतलब उसका फोन हो गया होगा, मैं अभी उसे लेकर ही आता हूँ। हाँ वही वही, जाइए अभी आएंगे। पोपटलाल चलो भाई, वो जसवंत भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं बस रेडी हूँ, चलो 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 चलो। ये तो बताइए, हाथी अंकल के घर पे जो लड़की आई है वो आपको कैसी लगी? हाँ बताइए ना प्लीज। पसंद है। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। वाओ, तो चलो इंदु जाके मना कर देते। ये भाई रुक, मुझे ये वाली लड़की भी पसंद है। दोनों लड़कियां पसंद है? वाह, हे भगवान, मैं तुम्हें दिल से प्रार्थना करता हूं, इस बार हमारे पोपटलाल की शादी करा ही दो। भगवान भिड़े की बात इस बार सुन लेना। अरे चलना। अरे मेरा छाता। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल,
क्या है, रात को लेट हो जाए ना तो भी प्रयत्न यही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ। क्षमा चाहता हूँ मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ। वो एक्चुअली बॉस के साथ वो धार्मिक आर्टिकल पे बात चल रही थी ना, तो इसलिए वो भाषा जरा जुबान पर आ गई। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वो क्या है ना कि मेरे बॉस मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। वो थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए फोन लंबा चला। वो ठीक है, लेकिन आपके माथे पर ये तिलक कैसे आए? कहते हैं कि जब लक्ष्मी तिलक करना है उस वक्त मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, और सचमुच पोपट लाल ने तिलक किया है। आज कहीं नहीं गए वो, लेकिन ये तिलक कहां से आया, अब इस यक्ष प्रश्न का उत्तर हमारे युधिष्ठिर पोपट लाल क्या देंगे? लगता है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक तरफ सीधी सादी कलावती है, दूसरी तरफ मॉडर्न सेनोरिटा है, और कलावती और सेनोरिटा के बीच में मुझे लगता है पोपट लाल का ये जो सर्कस चल रहा है उसमें वो लटकने वाले हैं। भाई जिंदगी में एक सवारी करनी चाहिए, एक नाव की सवारी बड़ी अच्छी होती है, और पोपट लाल की शादी की नाव चल भी पड़ी है, लेकिन ये दो नावों की सवारी से पोपटलाल समुद्र पार करते हैं या समुद्र के बीच में भंवर में फंस जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके घर में हंसी का समंदर हमेशा लहराता रहेगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।